x is equal to root 3 minus root 2 divided by root 3 plus root 2 and y is equal to root 3 plus root 2 divided by root 3 minus root 2, then find the value of x cube plus y cube. सबसे पहले आप फोकस करो 1 by root 3 plus root 2 को और 1 by root 3 minus root 2. जब कभी भी इस तरह का फॉर्मेट हो ना, तो अगर मान लो ये टर्म a है और ये टर्म b है, तो अगर a square minus b square का वैल्यू 1 है, तो आप सीधे इसके कंजुगेट को लिख सकते हो. जैसे अगर यहाँ पे रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आएगा 3, रूट टू का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का. तो आप 1 बाई रूट थ्री प्लस रूट टू को सीधे लिख सकते हो रूट थ्री माइनस रूट टू. सिमिलरली इस टर्म को आप सीधे लिख सकते हो कंजुगेट के साथ. तो अगर 1 बाई रूट थ्री माइनस 1 बाई रूट टू को लिखोगे तो ये सिंपली हो जाएगा रूट थ्री वन प्लस रूट टू, एज सिंपल एज दैट. ये कन्वर्जन आप एक बार समझ लो, बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीटेडली आपको ये हेल्प करेगा. यहाँ पे आपको गिवन था x इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री प्लस रूट टू. इस वाले टर्म को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर लो तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू. ये क्लियर है? तो ये अल्टीमेटली आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2 और वो हो जाएगा माइनस टू रूट थ्री इंटू रूट टू. तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आएगा 5 माइनस टू रूट सिक्स. अगर आप y पे फोकस करोगे तो y का वैल्यू क्या गिवन था, रूट थ्री प्लस रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री माइनस रूट टू. तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली रूट थ्री प्लस रूट टू और इसका स्क्वायर. तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस टू एंड प्लस टू रूट सिक्स. अब आपको निकालना है एक्स क्यूब एंड प्लस वाई क्यूब. तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई. यहाँ पे इसको आप रीअरेंज कर सकते हो एक्स प्लस वाई इंटू, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लिख दो टू एक्स वाई एंड माइनस टू एक्स वाई एंड माइनस एक्स वाई. इस वाले टर्म का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये है सिंपली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. तो आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इंटू, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड माइनस थ्री एक्स वाई. क्लियर है? आपको पता है एक्स प्लस वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू था 5 प्लस टू रूट सिक्स और एक्स का वैल्यू था 5 माइनस टू रूट सिक्स. तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 10. फिर स्टार्ट, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर एंड माइनस 3 और एक्स और वाई का प्रोडक्ट कितना होगा, सिंपली हो जाएगा 5 प्लस टू रूट सिक्स और ये वैल्यू है 5 माइनस टू रूट सिक्स. तो हो जाएगा 25 माइनस, ये हो जाएगा 4 इंटू सिक्स दैट इम्प्लाई 1. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 1. तो अल्टीमेटली आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 10 इंटू, ये हो जाएगा 100 माइनस 3 दैट इम्प्लाई 97 दैट इम्प्लाई 970. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स.